हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोल पटेल ACR यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस टॉपिक में आप जैसा कि फ़ोटो में देख रहे हैं बायोडर्मा एक कंपनी है। इनके प्रोडक्ट यूजुअली कॉस्टली होते हैं, तो ऐसे कॉस्टली प्रोडक्ट के आज मैं सेबियम मतलब एक जो क्लिंजर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि ये जो क्लिंजर होता है जिनका स्किन ऑयली है या जिनके में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, चिपचिपा स्किन होता है उनकी स्किन में, अगर इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्किन का ऑयल कंट्रोल होता है या नहीं होता है। स्ट्रेट आंसर मैं देना चाहूँगा, अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपका ऑयल कंट्रोल होता है। दूसरा चीज़ कि अगर इसको आप लंबे समय तक लगाते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, नहीं है नुकसान। अगर आपका चिपचिपा ऑयली स्किन है, पर्टिकुलर अगर मेल पर्सन, पर्टिकुलर ऐसे स्किन जिनको स्किन में कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं है या ड्राई स्किन नॉर्मल नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑयली स्किन बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लंबे समय इस्तेमाल करने में भी उतना खासा नुकसान या मान के चले कि नुकसान नहीं है। मैंने अपने काफ़ी पेशेंट को रिकमेंड किया था या जो खुद रिकमेंड करते मेरे से पूछे, तो ये क्लिंजर जो है स्किन को ठीक सूट करता है। बात करते हैं तीसरा चीज़, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। जी नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है। आप 1mg साइट नेट में या मेडिकल स्टोर्स में भी पूछ के देख सकते हैं, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं प्रोडक्ट बाकी, लेकिन इनके अच्छे रहते हैं। आप इनको यूज़ करके देखेंगे तो आपको ख़राब नहीं लगेगा फेस, आपको इसे अच्छी तरीके से धुलेगा। चौथा पॉइंट ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसे अगर फेस वॉश ऑयल तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बहुत सारे फेस वॉश ऐसे होते हैं अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल कंट्रोल होने के साथ में आपका स्किन ड्राई होते जाता है। तो क्या ये आपके फेस को ड्राई कर देगा एक समय के बाद में? नहीं, ड्राई नहीं करता है, लेकिन ऑब्वियसली ये सोच करके आपको ऐसा नहीं है कि आपने चेहरा इसे धो लिया और आप अपने चेहरे में मॉइस्चराइजर ना लगाएं। जब भी आप अपना चेहरा को फेस वॉश क्लिंजर किसी भी चीज़ से धोएं, आपको उसके बाद में मॉइस्चराइजर हल्की क्वांटिटी में लगाना जरूरी है या लगाना ही चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। देखिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए आपको 6 से 7 घंटे के इंटरवल में, या मान के चलिए हर 8 घंटे के इंटरवल में, सुबह, दोपहर और रात। इस तरीके से अगर आप 3 बार इस्तेमाल करते हैं, जेंटल मसाज करके आप चेहरे में लगाएं, पानी से अच्छी तरीके से चेहरा धो लेंगे, तो आपको इसको बेस्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिनका नॉर्मल स्किन रहता है, अगर वो भी यूज़ करना चाहते हैं कि ऑयल बेस थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, ज़्यादा ऑयली ना रहे, तो वो सुबह शाम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले मेरे हिसाब से लगता है कि ज़्यादा इस्तेमाल इसको ना करें। बाकी ये ऑयल के लिए अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है। आप इसको मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपने इसको अगर प्रोडक्ट कभी यूज़ किया है तो आपको कैसा लगा। इससे रिलेटेड और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो इस अनइवन टोन को बेहतर करने के लिए, इवन करने के लिए, जैसे बहुत सारे, यह मान के चलिए कि आप सब लोग यही चाहते होंगे कि हो सकता है स्किन आपके में गोरापन ना आए, लेकिन स्किन